बॉटम का हेल्थ केयर एट होम। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक रिसर्च है और वो एक डॉक्टर की रिसर्च है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिसर्च अगर हमने फॉलो कर ली तो फिर हमें किसी भी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। खासतौर पे आज के दौर में जो लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए, सारे ही लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, तो वो घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी दवाई के आप घर पे ही अपने सिस्टम के अंदर, अपने बॉडी के अंदर कैसे एंटीबॉडीज डेवलप कर सकते हैं, कैसे किसी भी वायरस से फाइट कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उनका नाम ले देता हूँ मैं, डॉक्टर पी देवन। ये जो है प्रोफेसर हैं सर्जरी नेक एंड बैक के कर्नाटका में। इन्होंने एक रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, काफ़ी टाइम से ट्रीट कर रहे हैं। और ये वायरस से कैसे ट्रीट करते हैं, जब भी आप पर कोई वायरल का अटैक होता है, जैसे ही आपको वायरस का कोई भी सिम्टम आना चालू होता है, चाहे फीवर आना शुरू हो या आपका लिथार्जी हो जाती है, बॉडी एक होने लगता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ाना है, जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आता है, आपको गर्म पानी, जितनी गर्म चाय होती है उतना गर्म पानी घूंट घूंट करके पीते जाना। जब आप ये करते हैं और जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है तो क्या होता है, आपको पसीना आने लगे, क्योंकि जब बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको ठंडा करने के लिए पसीना आने लगता है, वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे ही पसीना आने लगे आप रुक जाइए, उसके बाद दोबारा जैसे ही आपको सिम्टम आए फिर से गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी, चाय जैसा गर्म पानी घूंट घूंट करके पीने लगे और वापस पसीने आने तक आपको वो पानी पीते रहना है। जब पसीना आने लगेगा आप रुक जाइए, ये आपको 48 आवर्स करना है। 48 आवर्स अगर आपने ये कर लिया तो आपके ऊपर जो वायरस का अटैक आ हुआ है वो वायरस डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम उल्टा कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो नेचुरल फॉर्म में बॉडी में बढ़ाया हुआ है पैरासिटामोल खाकर उस टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ये नहीं करना है, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएं। दूसरी चीज, जो वायरस से लड़ने के लिए जो वैक्सीन की बात हो रही है, इतना तमाम तरह के लोग कर रहे हैं, वैक्सीन है क्या, वही वायरस का एक माइल्डर वर्जन है, हमारी बॉडी में लगाया जाएगा जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी, अभी तो तैयार ही नहीं है। वो वर्जन जब हमारी बॉडी पे जाएगा, जब उसको इंजेक्ट किया जाएगा तो हमारी बॉडी उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी और वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में ही रह जाएंगी, तो दोबारा कभी भी अगर वो वायरस का अटैक आएगा तो ऑलरेडी एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर है जो उस वायरस से फाइट कर लेगी। ये एंटीबॉडीज हम नेचुरल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। एंटीबॉडीज किससे बनती है, सबसे जरूरी चीज है एंटीबॉडीज के लिए एमिनो एसिड। दूसरी चीज वायरस से फाइट करने के लिए जो जरूरी है वो है जिंक, और तीसरी चीज जो जरूरी है वो है आयरन और वाइटामिन सी। वाइटामिन सी तो वैसे भी, जैसा मैंने पिछले एपिसोड में विटामिन सी के बारे में काफी कुछ एक्सप्लेन किया था आपको, तो अगर इन ये चीजें हमारे शरीर में हो तो एंटीबॉडीज नेचुरल फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं मास इम्यूनिटी, अगर इसको अगर आदमी फॉलो करता जाएगा तो मास इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड कैसे मिलेगा आपको, स्प्राउट से एमिनो एसिड, किसी भी तरह के स्प्राउट्स बना के, आप अगर 60 से 70 किलो तक के हैं तो 100 ग्राम भी अगर आप स्प्राउट्स डेली खाते हैं तो आपके शरीर में एमिनो एसिड की कमी नहीं होती है। और ये एमिनो एसिड जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती है, कोई वायरस अगर आपके ऊपर आया है तो उससे फाइट करने के लिए जो बॉडी का मैकेनिज्म बनता है, तैयार होता है, उसको एंटीबॉडी कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि अगर कोई चोर आ गया तो, और यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स है, उसमें कमिश्नर, कमिश्नर कौन है, कमिश्नर है हमारा इम्यून सिस्टम, लेकिन क्या कमिश्नर खुद उस चोर को पकड़ने या उससे फाइट करने जाता है, वो नहीं जाता है, वो सिपाहियों को ऑर्डर देता है। तो ये जो सिपाही हैं जो उस पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए जाएंगे वो हमारे शरीर की एंटीबॉडीज है। तो ये जो मास इम्यूनिटी की मैंने बात की, मास इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि हमारा शरीर तैयार है उस एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, तो जैसे ही वायरस आएगा वैसे ही हमारा शरीर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा और वो वायरस को खत्म कर देगा। तो पहली चीज तो जो मैंने बताई आपको कि गर्म पानी पीना है तब तक जब तक कि पसीना ना आए,
और दूसरी चीज, एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं मैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कहा गया है कि गार्गल करें। देखिए अगर आपको सिम्टम आ गया, मैंने भी आपको कहा था कि गार्गल करें, क्योंकि गार्गल इसलिए जरूरी रहता है कि अगर वायरस अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपके गले में है, मुंह में है, तो वो अंदर चला जाएगा और अंदर एसिड है जिससे कि वो वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो सिर्फ गार्गल करने से नहीं चलेगा, आपको बॉडी का टेम्परेचर ही बढ़ाना है। और बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री आप बढ़ाएंगे, ये सिंपल जैसा मैंने बताया, पता चल जाएगा आपको, पसीना आने लगेगा जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, और पसीना आते ही यानी कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, और 48 आवर्स तक कंटिन्यूस आपको ये करना है और आपका वायरस का जो अटैक है वो तुरंत ही माइल्ड हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है जिंक। जिंक किससे मिलेगा? देखिए पपाया से, पपाया हम खाते हैं उसके अगर बीज ले लें हम, और 5 बीज सुबह खा लें और 5 बीज शाम को खा लें, सफिशियंट मात्रा में हमें जिंक मिल जाता है। वाटरमेलन सीड जो होते हैं उसका अगर आप सेवन करते हैं, 1 चम्मच भी अगर आप खाते हैं तो जिंक मिल जाता है। या फिर कोई भी बीज, लगभग हर बीज में थोड़ी या थोड़ी मात्रा में जिंक होता है, लेकिन पपाया सीड, वाटरमेलन सीड, इनका अगर आप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज विटामिन सी, कोई भी सिट्रस चीज जो भी आप लेते हैं, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन आपको किससे? काले अंगूर से मिल जाएगा। किशमिश जो होती है, ब्लैक कलर की जो किशमिश होती है उसमें आयरन होता है, ब्लैक कलर ही आयरन के कारण होता है। बीटरूट है, अगर उसके साथ विटामिन सी का आप कॉम्बिनेशन लें तो उसमें भी आयरन होता है, लेकिन वो आयरन तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप उसके साथ विटामिन सी लें, यानी कोई खट्टी चीज बीटरूट में डालते हैं। इसके लिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक बीटरूट को ग्रेट करके आप उसमें एक नींबू का रस निचोड़ के एक एयर टाइट डब्बे में रख लें और हर 2 घंटे में 1 चम्मच उसको खाते रहें, तो वो आपको आयरन कंटिन्यूस मिलता है। अगर ये सारी चीजें हम करते हैं डेली रूटीन में, ये तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप पर वायरस का अटैक होगा, तो अटैक होते ही आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे, उस वायरस को दबा देंगे, और साथ में ये सारी चीजें आपके शरीर में होंगी तो आपका एंटीबॉडी बहुत स्पीड में तैयार हो जाएगा, यानी कि वायरस को खत्म करने के लिए आपका शरीर पूरी तरह से तैयार रहेगा, और 48 आवर्स के अंदर अंदर ही आपको चाहे वो थ्रोट इन्फेक्शन हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे कोई दूसरा वायरस, सारे वायरस से आप मुक्त हो सकते हैं। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।